पालघर मधून जिल्ह्याच्या नालासोपारा येथे 3 सफाई कामगारांचा नाले साफ करताना मृत्यू झालाय. गेल्या 3 वर्षात 25 कामगारांचाही अशाच पद्धतीने मृत्यू झालाय. मात्र या सर्व प्रकारची गंभीरता महाराष्ट्र शासनाने अद्यापही घेतलेली नाहीये. केंद्र शासनाच्या राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोगाचे सदस्य दिलीप के हातीबेड यांनी रोष व्यक्त करताना पत्रकारांना सांगितलं की अद्याप 25 लोकांच्या मृत्यूची भरपाई राज्य सरकारने केलेली नाहीये. तर पालघर जिल्ह्याच्या नालासोपारा येथे 3 सफाई कामगारांना मोबदला आणि कुटुंबाच्या एकाही व्यक्तीला नोकरी दिलेली नाहीये. ही अतिशय दुःखद बाब आहे. पालघर जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी प्रशांत नारनवरे यांच्यासह नालासोपारा येथील विरार वसई महानगरपालिकेत नोकरीसाठी टेम्पररी नियुक्त पत्र त्यांच्या घरी जाऊन देणार आहे. ऐसे एमओस करके मुझे भी 4-5-6-7 राज्य दिए, तो कुछ कुछ राज्यों में जहाँ जहाँ मैं जैसे अंडमान निकोबार में नेत्रा है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश था पहले, तो ऐसे हमारे 7 मेंबरों को सबको एमओस करके दिया जाता. लेकिन महाराष्ट्र के अंदर में जब मैंने इसके डिटेल निकाला तो ये जानकारी मिली है. तो इससे मैं भी दुखित हूँ कि 25-25 केस होने के बावजूद भी प्रशासन और शासन क्या कर रहा है. तो शासन का तो भाग बनता है, लेकिन प्रशासन का ज्यादा दायित्व बनता है वो अपने काम को प्रमाणिकता से करे. और आज हमने मीटिंग में ये भी कहा है कि दोबारा ऐसी घटना ना हो इसके लिए एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म कलेक्टर महोदय को हमने बोला है. कलेक्टर महोदय ने भी इस बात को स्वीकार किया कि एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म हम बनाते हैं और जो भी महानगर पालिका है महानगर पालिका को हम बताते हैं कि भाई इस प्रकार का इनको एक उसमें मोटिवेट करने की उनको जानकारी प्रिकॉशन लेने के लिए डॉक्यूमेंट्री पिक्चर के माध्यम से भी समझाया जाए. ऐसा भी हमने आज उसका मीटिंग में लिया. बहुत जल्दी उनको उम्मीद है करेंगे और इसी पैटर्न पे सरकार ने भी करना चाहिए मुझे ऐसा लगता है. क्या बोईसर में मरने वालों की कोई आंकड़े आई है कि जो सफाई मजदूर की मौतें हुई है बोईसर में उसका कोई आंकड़ा आया आपके पास में? नहीं, बोईसर में बोईसर नहीं, इसके अलावा इसमें बोईसर का नाम नहीं है, है ना? नहीं, बोईसर हाँ बोईसर में भी सफाई आपके समक्ष रखा हूँ क्योंकि बोईसर एक बहुत बड़ी ग्राम पंचायत है जिसमें सफाई मजदूरों की 2-3 लोगों की मौत हुई है कचरा उठाने वालों की. नोट करने दो लोग. हाँ, 2 लोगों की अभी जहाँ जा रहे हम लोग. नहीं, वो नहीं उसको छोड़ के, वो तो नाला सोपा रखी है. नहीं, अभी और जा रहे हम लोग जगह. अभी आप नहीं, वो थाने में पड़ता है. वो थाने में सर जो इसी क्षेत्र में पड़ रहा है पालघर. हाँ, पालघर तहसील में आता है. स्टेशन है हाँ, वहाँ की जानकारी नहीं है. हाँ, एक सवाल में इससे संबंधित ये पिछले 3-4 साल के अंदर की बात है. मैं समझता हूँ जहाँ तक मेरी उस समय नियुक्ति होनी थी हो सकता. हाँ, एनएसके एफडीसी के माध्यम से जो उनको लोन वगैरह दिया जाता है वो तो हो रही है. अगर कलेक्टर साहब यहाँ बैठे, कलेक्टर साहब अगर चाहे तो सिविल के समय वो मंगा सकते हैं. लेकिन आज उन्होंने खुद कहा है कि हम भी अपने तरफ से एक जिले वाइज एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने का कोशिश करते हैं और इसमें प्रिकॉशन कैसा सफाई कर्मचारी लेना चाहिए वो बताइए. तो शायद हो सकता है ज्या सफाई कामगाराने 25 वर्षाची सेवा पूर्ण केली असेल त्यांच्यासाठी निःशुल्क घरे देण्याची योजना अंतर्गत पालघरला जागा मिळून दिली जाईल.